कोरोना महामारी का संकट अभी खत्म नहीं हुआ था कि एक और नई बीमारी ने भारत में पैर पसार दिए हैं। एक ऐसी बीमारी जो अक्सर कोरोना संक्रमितों को हो रही है, यानी अगर आप कोरोना से बच भी गए तो यह बीमारी आपको परेशान कर सकती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो यह बीमारी आपकी जान भी ले सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब इस नई बीमारी को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। क्या है यह नई बीमारी और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आपको सुनाते हैं। पर उसके पहले आप हमारा चैनल इंडिया फर्स्ट जरूर सब्सक्राइब करें। कोरोना महामारी के बाद अब एक नई बीमारी सामने आ गई है। यह बीमारी है ब्लैक फंगस, इसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। ये नाक, कान, गले ही नहीं बल्कि शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये एक नया और बड़ा रूप अख्तियार कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब इस नई बीमारी को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। ये ब्लैक फंगस के संक्रमण की घटना सामने आ रही है और वो बहुत भयानक है। जो सुना है आपको, जो इफेक्ट होता है, बाकी जो प्रभाव होते हैं, किसी का पूरा जबड़ा ही निकाल देना पड़ा, आंख निकालनी पड़ी, ये मेरा चिंता का विषय है। इसमें नाक, मुंह, दांत, आंख, मस्तिष्क और बाकी अंग भी संक्रमित हो जाते हैं। और अभी तक 50 रोगियों की पुष्टि अब तक हुई है पूरे प्रदेश में। ये हमारी ड्यूटी है कि ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी जो कोविड के बाद होती है उसका उपचार भी हम सुनिश्चित करें, और इसके लिए पूरे इलाज का प्रोटोकॉल जारी किया जाए। इस बीमारी के कारण क्या है, लक्षण क्या है, निदान क्या है, इलाज क्या है, सावधानी क्या रखी जानी चाहिए, इलाज के प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। उपचार महंगा भी होता है, एक इंजेक्शन महंगा लगता है, इसलिए ऐसे मामले जो आएंगे उसमें भी राज्य शासन ऐसे पेशेंट्स को भरपूर सहयोग करेगा। वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं तो हम उनके भी निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का पूरा हम प्रयास करेंगे। ये बीमारी सीधे इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस की बात करें तो ये सीधा व्यक्ति के इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है, और ब्लैक फंगस बीमारी भी इसी से जुड़ी हुई है। ब्लैक फंगस भी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता से फैलता है। ये फंगस छुआछूत से नहीं फैलता लेकिन हवा में मौजूद रहता है। ये फंगस नाक से होते हुए बलगम में मिलकर शरीर में पहुंच जाता है। इसके बाद ये शरीर के अंगों को खराब करने लगता है और ये दिमाग तक भी पहुंच जाता है। इस बीमारी में मृत्यु दर 50% है। इस बीमारी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शरीर के जिस अंग में ये बीमारी फैलती है उस अंग को काटना पड़ता है क्योंकि वो हिस्सा गैंग्रीन जैसा हो जाता है। इसके लक्षणों में नाक में सूखापन और नाक का लाल होना शामिल है। इससे बचने के लिए मास्क पहनना सबसे उपयोगी बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज।